ये एनल फिशर जो होता है वो एनस में एक तरह का कट या टियर होता है और इसमें अक्सर ब्लीडिंग होती है। स्टूल है आपका, स्टूल जो पास होता है वो स्मूथ होना चाहिए। और स्टूल सॉफ्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना खान पान सुधारना है, ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजें खानी है ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और आसानी से स्टूल के थ्रू पास हो जाए। उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, आप फाइबर वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपाया बहुत अच्छा काम करता है इसमें, आप पपाया खाएं, ज्यादा से ज्यादा संतरा ले लें, एप्पल ले सकते हैं आप, बनाना का सेवन कर सकते हैं आप। ये जो फ्रूट्स हैं जिनमें काफी ज्यादा फाइबर है, तो ये अगर इसका आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो आपका स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि जो फिशर की प्रॉब्लम है उसमें बहुत रिलीफ आएगा।